Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 8, The Great Uprising of 1857. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, ठीक है बात? और यहाँ तक पढ़ने के बाद हम लोगों ने सारे causes जान लिए थे कि क्या क्या causes थे, military causes थे, political causes थे, या immediate cause क्या थे revolt के. अब हम revolt का outbreak देखेंगे कि revolt हुआ start कैसे, कौन से वो लोग थे जिन्होंने इस revolt में leader की तरह काम किया. मतलब actually we'll talk about the heroes of revolt of 1857 in part 2. तो मंगल पांडे का जैसे ही execution हुआ तो एक टर्मोइल वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई सारे कैंटोनमेंट एरिया में. जितने भी आर्मी कैंप थे अक्रॉस इंडिया, वहाँ हर जगह टर्मोइल वाली सिचुएशन आ गई. ठीक है, टर्मोइल वाली सिचुएशन का मतलब क्या है? अनिश्चितता, शोरगुल, आपस में लोग डिस्कस कर रहे हैं अगेंस्ट ब्रिटिश रूल कि यार ये तो ब्रिटिशर्स ने गलत किया. तो इस टाइप की सिचुएशन थी हर कैंटोनमेंट एरिया में, सारे मिलिट्री कैंप्स में. उसके बाद जो थर्ड बंगाल लाइट कैवलरी थी, थर्ड बंगाल लाइट कैवलरी ये नाम है, इसमें 85 सोल्जर्स थे. उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया भाई कि हम तो इस कार्टेज को टच भी नहीं करेंगे. 9 मई 1857 को वो सारे 85 लोग जो मना कर रहे थे कि हम इस कार्टेज को टच नहीं करेंगे, उन्हें ह्यूमिलिएट किया गया और 10 साल की सज़ा दे दी गई. इससे सिपाहियों को और क्रोध आया, और तेज गुस्सा आया कि भाई ये तो बिल्कुल ही गलत कर रहे हैं, हमारी बातें सुनने को ये रेडी नहीं है. तो मेरठ में जो सिपाही थे वो इन्फ्यूरिएटेड हो गए, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए, गुस्सा हो गए. अब इन लोगों ने क्या किया, जो ये वाले जो 85 लोग थे ना जो जेल में बंद थे, कहाँ गए 85, ये 85 जो लोग थे जो जेलों में बंद थे, अभी जो मेरठ के सिपाही थे इन्होंने जेल को खोल दिया. कब? 10 मई 1857 को. मसाकत द ब्रिटिश ऑफिसर, जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स वहाँ देख रेख के लिए थे उन सबको मार दिया, उनका मिसाकर किया. मतलब एक साथ में बहुत सारे लोगों को मारना क्या होता है, मिसाकर, ठीक है बात? बहुत सारे लोगों को मार, ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया और जितने भी इंडियन सोल्जर्स जो वहाँ पर कैद थे उन सबको फ्री कर दिया. अच्छा, फ्री करने के बाद जितने भी आर्म्स अमिनेशन वहाँ, जो भी आर्टिलरी गन्स वगैरह रखी थी, जो भी पिस्टल थी या जिस भी टाइप की गन वहाँ पर थी, उन सारे हथियारों को लूट लिया, जितने भी आर्म्स थे उन सबको लूट लिया और जितनी भी ब्रिटिश प्रॉपर्टी थी उस सबको आग लगा दी. ठीक है बात? अब हम देखेंगे मार्च टू दिल्ली. ये जितने भी सिपाही थे इन लोगों ने 11 मार्च को कहाँ चलना चालू कर दिया, दिल्ली की तरफ चलना चालू कर दिया. मतलब अब ये मेरठ से कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं. ठीक है बात? फिर से ध्यान से सुनो, 9 तारीख को पनिशमेंट मिली, 10 तारीख को इन लोगों ने उनको जेल से छुड़वा लिया और 11 तारीख को अब यही सारे सिपाही कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं. दिल्ली बोले तो जहाँ पर बहादुर शाह जफर रहते हैं, क्योंकि अब बहादुर शाह जफर को ये अपना नया एम्परर घोषित करेंगे, इसलिए ये जा रहे हैं रेड फोर्ट दिल्ली और वहाँ पर बहादुर शाह जफर को क्या बनाएंगे, अपना लीडर बनाएंगे. देखो ऐसे कहा जाता है ना कि कोई भी जो युद्ध है, जो वॉर है, वो बिना लीडर के नहीं लड़ा जा सकता. तो लीडर की तो रिक्वायरमेंट थी, है ना? तो वो लीडर बने कौन? बहादुर शाह जफर. ऑल दो ये फिज़िकली इतने हेल्दी नहीं थे उस टाइम में, बहुत ओल्ड एज हो चुके थे, ये बेसिकली फिज़िकली कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते थे, पर एक लीडर की तरह काम तो कर ही सकते थे, एक सेंटर पॉइंट बन सकते थे. वो ये बन गए कौन? बहादुर शाह जफर. जैसे ही ये दिल्ली पहुँचे, सारे सिपाही गुस्से गुस्से में जो दिल्ली जा रहे थे, जैसे ही ये दिल्ली पहुँचे तो वहाँ के लोकल सिपाहियों ने भी इनको ज्वाइन कर लिया. अब लोकल सिपाही भी मिल गए, जो मेरठ से सिपाही आ रहे थे वो भी मिल गए, तो इन लोगों की स्ट्रेंथ बढ़ गई, नंबर में भी ये बढ़ गए. अब आसपास में जितने भी यूरोपियन ऑफिसर, कोई भी अगर गलती से इनको रोकने आ जाता, जो भी ब्रिटिश ऑफिसर रास्ते में दिखता उन सबको ये मार देते. और इन्होंने दिल्ली पहुंच के प्रोक्लेम किया, जता दिया, बता दिया कि भैया हमारे जो नए एम्परर होंगे हिंदुस्तान के, अब कोई ब्रिटिश व्रिटिश नहीं होगा, कौन होंगे? बहादुर शाह जफर. जल्दी ही जो लोग थे नेबरिंग एरियाज़ के, वो भी रिबेलियन के लिए खड़े हो गए, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर से परेशान तो हर व्यक्ति था ही, तो आसपास के लोग भी लड़ने के लिए तैयार हो गए. बहुत सारे इंडियन चीफ थे, उन्होंने भी अपनी लॉयल्टी किसको दी? मुगल एम्परर को ही दी. वो चीफ की भी कई बार पावर, कई बार पोजीशन ब्रिटिशर्स कुछ ना कुछ उनको भी हम पहुंचाते रहे, तो वो भी किसके साथ आ गया? मुगल एम्परर के साथ आ गए. और इस तरीके से जो दिल्ली था वो सेंटर बन गया रिवोल्ट का. ठीक है बात? स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट. अब हम देखेंगे कि रिवोल्ट कैसे फैला. तो जैसे जंगल में आग फैलती है ना चारों तरफ,
अनकंट्रोल्ड उसी तरीके से रिवोल्ट फैल रहा था। ये जो अपराइजिंग थी ये इंडिया के दूसरे पार्ट में भी जल्दी ही फैल गई। जो लोग थे उनका बिलीव तो ऐसा हो गया था कि भैया ये रिवोल्ट अगर सक्सेसफुल हुआ ना तो हम तो ब्रिटिशर्स को बिल्कुल ख़त्म ही कर देंगे, ब्रिटिश राज ख़त्म समझो। इतना एंथुजियास्टिक हो गए थे, इतना होप था लोगों में कि भैया ब्रिटिश राज ख़त्म हो। तो नॉर्थ इंडिया ने देखा ह्यूज रिबेलियन, ठीक है, ह्यूज अपराइजिंग, अलग अलग पार्ट में आए लोग, बहुत एंथुजियास्टिकली पार्ट ले रहे थे, भले वो कॉमन सिविलियन हो, लैंडलॉर्ड्स हों, ज़मींदार हों या शोल्डर्स हों। पर नॉर्थ इंडिया में जो बंगाल था, पंजाब था, डेक्कन था और जो साउथ था, वहाँ पर इतना ज़्यादा रिवोल्ट का कुछ लेना देना नहीं था, ये लोगों ने पार्ट नहीं लिया प्रॉपरली रिवोल्ट में। विटनेस्ड स्पोरेडिक इंसिडेंट्स, और स्पोरेडिक इंसिडेंट्स का मतलब क्या होता है, इरेगुलर इंसिडेंट, अनिश्चित, कभी आए तो ठीक है, एक आध जगह थोड़ा थोड़ा सुर 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 कुछ रिवोल्ट का हुआ, बाकी दी एंड। मतलब ये लोग लड़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, कहाँ कहाँ पर, बंगाल, पंजाब, डेक्कन और साउथ, यहाँ पर स्पोरेडिक इंसिडेंट्स हुए। स्पोरेडिक का मीनिंग क्या होता है, अनिश्चित, अनिश्चित मीन्स, अनिश्चित भी गलत बोलना चाहिए, इरेगुलर। स्पोरेडिक का मीनिंग क्या होता है, इरेगुलर इंसिडेंट थे यहाँ पर, रेगुलरिटी में ये लोग लड़ाई नहीं कर रहे थे, ठीक है। बात बहुत सारी जगहों पर जो यूरोपियन ऑफिसर्स थे उन्हें भी मार दिया गया। तो जो रिवोल्ट था उसे सपोर्ट कौन कौन कर रहे थे बच्चा, कॉमन सिविलियन कर रहे थे, डिस्पोज्ड नॉवल्स कर रहे थे, लैंडलॉर्ड्स कर रहे थे। अभी जो नॉवल और लैंडलॉर्ड्स थे ये इस होप में लड़ रहे थे कि हो सकता है ये ब्रिटिशर्स हमें अपनी टेरिटरी वापस दे दें, ये हार जाएंगे तो हम अपनी टेरिटरी वापस ले लेंगे, इस खुशी में ये लोग लड़ रहे थे। प्रिंसेस ने भी अपनी टेरिटरी को फ्यूचर में ब्रिटिशर्स एनेक्स ना करें इसलिए लड़ना स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। नॉर्थ इंडिया विटनेस्ड अ ह्यूज अपराइजिंग, नॉर्थ इंडिया में बहुत सारी अपराइजिंग हुई बच्चा, कंटिन्यू नॉर्थ इंडिया लड़ रहा था, रिवोल्ट ऑफ 1857 में बंगाल लड़ रहा था, पंजाब लड़ रहा था, डेक्कन लड़ रहा था, अवध लड़ रहा था, ठीक हुई बात, हर कोई नॉर्थ इंडिया में लड़ने को रेडी था अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। पर वहीं पर अगर हम साउथ की बात करें तो यहाँ पर रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा स्पोरैडिक था, स्पोरैडिक था मतलब अनिश्चित था, लोग बहुत ज़्यादा रेगुलरली इस वॉर में इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे, ठीक है। बात तो नॉर्थ में इसका इफेक्ट ज़्यादा था, साउथ में कम था। बहुत सारी जगह तो जो यूरोपियन ऑफिसर्स थे उनको मार दिया गया। इस रिवोल्ट को अब सिविलियन, कॉमन मासेस, जनरल पब्लिक भी सपोर्ट करने लगी थी, और जो डिसपजेस्ड नॉबल्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, जिन नॉबल्स की ज़मीनें ब्रिटिशर्स ने छीन ली थी, जिन ज़मींदारों को उनकी पोजीशन से हटा दिया था, वो भी इस वॉर में आ गए, सिविलियन भी इस वॉर में आ गए। और ये सब क्यों आ रहे थे, सो दैट दे कैन गेट बैक वट एवर दे हैव लॉस्ट, जो भी इनसे छीना गया है वो इन्हें वापस मिल जाए, इसलिए ये सब भी लड़ाई में आ रहे थे, ठीक है। बात अब हम देखेंगे झांसी को। तो एक और ग्रेटेस्ट लीडर थी इस रिवोल्ट की, वो थी रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी। इनकी झांसी को ब्रिटिशर्स ने एनेक्स कर लिया था, इनकी टेरिटरीज को ब्रिटिशर्स ने ले लिया था थ्रू द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। एक टाइम तक लंबा स्ट्रगल करने के बाद जो ब्रिटिश फोर्सेस थी उन्होंने झांसी को कैप्चर कर लिया, और इसी टाइम में 5,000 लोग जो थे इस कॉम्बैट में मारे गए। रानी लक्ष्मीबाई वहाँ से निकली और निकल के वो कल्पी पहुँची, और कल्पी पहुँच के उन्होंने तात्या टोपे को ज्वाइन कर लिया, ठीक है बात। अब बेटा इनकी जो जॉइंट फोर्सेस थी किस किस की, रानी लक्ष्मीबाई की और तात्या टोपे की। देखो रानी लक्ष्मीबाई जब उन लोग को लगने लगा कि यार अब तो अभी फ़िलहाल झांसी में मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, तो वहाँ से निकली और तात्या टोपे को ज्वाइन किया उन्होंने कल्पी में। उनकी जो जॉइंट फोर्सेस थी उन्होंने अटैक किया ग्वालियर के फोर्ट पर और ग्वालियर को कैप्चर कर लिया, ठीक हुई बात। सिंधिया जो कि अलाय हुआ करते थे ब्रिटिशर्स के, सिंधिया क्या हुआ करते थे, अलाय हुआ करते थे ब्रिटिशर्स के। तो जब रिवोल्ट ऑफ 1857 चल रहा था तो बच्चा जो सिंधियाज थे वो किसको सपोर्ट कर रहे थे, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने इंडियन रिवोल्यूशनरीज को सपोर्ट नहीं किया था। ये सिंधिया वही सिंधिया हैं जिनसे माधवराव सिंधिया आए हैं, जिनसे अभी के करंट में कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं जो पहले कांग्रेस में थे अभी बीजेपी में हैं, ये वही वाली सिंधिया फैमिली है। मतलब इनके दादाओं ने किया, इन लोगों ने नहीं किया एक्चुअल में, पर फैमिली वही है, मतलब ये समझ जाओ। तो जो जॉइंट फोर्सेस थी उन्होंने अटैक किया ग्वालियर को, ग्वालियर के फोर्ट को अपने कब्जे में कर लिया, ठीक हुई बात। तो सिंधिया थे, जैसे ही ग्वालियर पे रानी ऑफ झांसी और तात्या टोपे का कब्जा हुआ ये वहाँ से भागे,
क्योंकि ये तो ब्रिटिश के सपोर्टर थे, तो इनको लग रहा था ऐसा नहीं हो ये लोग मुझे ही मार दे, तो ये तो वहाँ से भाग गए। पर बाकी जो फोर्सेस थी ग्वालियर की, रिबेल फोर्सेस को ज्वाइन कर लिया उन्होंने। ठीक है बात, मतलब सपोज करो राजा किसको सपोर्ट कर रहा है, ब्रिटिशर्स को, तो राजा तो वहाँ से भागा क्योंकि उसको उसकी जान की चिंता हुई। पीछे जो फोर्स छोड़ गया, उस फोर्स ने ज्वाइन कर लिया हमारी रिबेलियस फोर्स को, जो रिवोल्ट कर रही थी उस फोर्स को ज्वाइन कर लिया। 17 जून 1857 को जो रानी लक्ष्मीबाई हैं उनकी डेथ हो जाती है 17 जून 1858। मैंने 57 बोला था क्या अभी, चलो 17 जून 1858 को जो लक्ष्मीबाई हो जाती हैं, लक्ष्मीबाई होती है, उनकी डेथ हो जाती है। कब होती है डेथ लक्ष्मीबाई की, 17 जून 1857 को डेथ हो जाती है किसकी, लक्ष्मीबाई की। कैसे, ब्रिटिश फोर्सेस से लड़ते लड़ते, फिर से मैं बोल रही हूँ, रानी लक्ष्मीबाई की डेथ होती है 17 जून 1858 को ब्रिटिश फोर्स से लड़ते लड़ते। तातर टोपे कंटिन्यू करते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर। गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है, जो छुप छुप के अटैक करना, जब आपको पता है कि आपकी आर्मी कम है तो आप जो सामने वाली बड़ी आर्मी है उसको छुप छुप के अटैक करते हो, उसको कहते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर। बहुत टाइम तक लड़ते रहे पर अल्टीमेटली ही वॉज बीट्रेड बाय जमींदार, पर ने धोखा दे दिया इनके एक जमींदार ने और बता दिया कि यहाँ यहाँ तातर टोपे हैं। He was hanged after a trial and the revolt was suppressed. इनको भी फिर बाद में फांसी मिल गई और रिवोल्ट पूरी तरह खत्म हो गई। उत्तर प्रदेश, झांसी के बाद हम चलेंगे उत्तर प्रदेश और सेंट्रल इंडिया। देखो जो कुंवर सिंह थे, कहाँ से थे, वो जगदीशपुर से थे। इन्होंने भी लीड किया रिवोल्ट को, कहाँ से लीड किया बच्चा, आरा से। ये कहाँ से लड़ रहे थे, आरा से। ये ओल्ड चीफ थे, इन्होंने रिबेल ग्रुप्स को ऑर्गेनाइज किया उत्तर प्रदेश और सेंट्रल इंडिया में। और इनकी जो फाइट थी वो किसके खिलाफ थी, इंडिगो फैक्ट्रीज़ के खिलाफ थी। इन्होंने बड़े बड़े इंडिगो फैक्ट्रीज़ को टारगेट किया और उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। रिबेलियंस को बोला कि सारी इंडिगो फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान तो हम इस इंडिगो से ही हैं। इंडिगो का मतलब क्या होता है, नील, जो हम आया नया उजाला चार बूंदों वाला नील है ना, वही नील। ही ऑल्सो एक्सटेंडेड सपोर्ट टू द रिबेल इन कानपुर एंड लखनऊ। और जो कुंवर सिंह थे, इन्होंने लखनऊ के जो रिबेलियन, लखनऊ के जो लोग थे जो रिबेल कर रहे थे, कानपुर के जो लोग थे जो रिबेलियस थे, जो रिबेलियन कर रहे थे, उनको भी सपोर्ट किया। अप्रैल 1858 में जो कुंवर सिंह थे उनकी भी डेथ हो गई। कुंवर सिंह डाइड ऑफ वॉर वूंड्स, उनको चोटें आ गई थी और उन चोटों के कारण उनकी डेथ हो गई। द रिवोल्ट ऑल्सो स्प्रेड टू रांची एंड संबलपुर। और इनका रिवोल्ट कहाँ कहाँ तक पहुँचा बच्चा, रांची और संबलपुर। देखो वॉर करते करते इन्हें बड़ी बड़ी चोटें आ गई, तो उस चोट के कारण की हो गई डेथ। हु वॉज प्रोक्लेम्ड एज द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान, बहादुर शाह जफर। ठीक है बात, हु लेड द रिवोल्ट इन कानपुर, तो कौन कर रहा था, नाना साहेब। फिर से देखो यहाँ लिखती हूँ, यहाँ प्रॉपर जगह। फर्स्ट का आंसर क्या आएगा बच्चा, बहादुर शाह जफर। तो हु प्रोक्लेम्ड द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान, बहादुर शाह जफर। सेकेंड, हु लेड द रिवोल्ट इन कानपुर, तो कानपुर में रिवोल्ट को लीड कर रहे थे नाना साहेब। फिर विच प्लेस बिकेम द पॉइंट ऑफ रिवोल्ट फॉर मोर देन 8 मंथ। 8 मंथ लड़ाई कहाँ चलती रही थी बेटा, तो 8 मंथ तक लड़ाई चलती रही थी अवध में। ठीक हुई बात, 8 मंथ तक लड़ाई कहाँ चली, अवध में। यस, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, तो वो थी रानी ऑफ झांसी। ठीक हुई बात, फाइंड आउट द मेन सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट फ्रॉम द वर्ड ग्रिड, तो क्या क्या था वर्ड ग्रिड को कैसे रखें, हम थोड़ा सा छोटा कर लें। हाँ, तो सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है बरेली, ठीक ही बात, उसके बाद मुझे दिख रहा है कानपुर, यहीं पर दिख रहा है अवध, और झांसी दिख रहा है क्या कहीं, झांझा झांसी, ये रहा झांसी, बाकी के आप ढूंढ लेना। ठीक है, कानपुर मिल गया, अवध मिल गया, झांसी मिल गया, बरेली मिल गया, अब हमें आरा चाहिए, तो ये रहा आरा। ठीक है, चले आगे। सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट, हम बेटा ब्रिटिशर्स बहुत परेशान थे कि भाई
नंबर्स में तो देखो ब्रिटिशर्स हमेशा से ही कम थे, अब उनको लगा इतने सारे लोग हमारे साथ अगर कंटिन्यू लड़ते रहे तो हम तो परेशान हो जाएंगे, हम तो हार जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा ये लोग तो लड़के यहाँ से टेंशन में थे ही थे, साथ ही साथ वहाँ ब्रिटेन से भी कॉल आ रहे थे, ठीक है, कि क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं आप लोग, और आप लोग नहीं संभाल पा रहे हैं तो हम दूसरे ऑफिसर्स को भेज देते हैं, इंडिया सोने की चिड़िया है, हमें उसे अपने पास रखना पड़ेगा, और अगर ऐसे रिवोल्ट हुए तो वो तो हमारे हाथों से निकल जाएगा। तो इनके ऊपर ये तो प्रेशर था ही था कि साथ में इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज करना, साथ ही साथ इनके पास कॉल आते थे कहाँ से, ब्रिटेन से, ठीक है, ब्रिटेन से कॉल कौन करती थी इनको बताओ, विक्टोरिया, कौन कॉल करती थी बच्चा ब्रिटेन से इनको, क्वीन विक्टोरिया, ठीक है, 1857 के टाइम ब्रिटेन की क्वीन थी विक्टोरिया, तो विक्टोरिया इनको कॉल कर करके बोलती थी आर यू एबल टू डू मैनेज इट प्रॉपरली, नॉट, इफ नॉट कम विल सेंड समवन अनदर। तो बेटा इनको ये भी डर था कि भैया यार वहाँ पर हम जाके क्या मुँह दिखाएंगे। चलो तो जो ब्रिटिशर्स थे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए इस रिवॉल्ट के स्केल को देख के, जिस बड़े लेवल पर ये हो रहा था, दे वॉन्टेड एवरी सिंगल इंच ऑफ देयर टेरिटरी बैक, ब्रिटिशर्स को वापस चाहिए था पूरा भारत जो उनके कंट्रोल में था बिफोर 1857। अब गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग बड़ी समस्या में, भैया मैं क्या करूँ। लॉर्ड कैनिंग ने हर डायरेक्शन में जहाँ जहाँ रिवोल्ट हो रहा था अपनी फोर्सेस को प्लेस करना चालू किया, मोबालाइज किया ट्रूप्स को, ठीक है, बेस्ट कमांडर को लेके आए, बेस्ट कमांडर थे हुरोज़, ये हुरोज़ मतलब झांसी की रानी, हमको पता है कि घोड़े के पैर में चोट आई और झांसी की रानी गिर गई और फिर खुद ने अपने आप को मार लिया था, ये हमको पता है, पर बच्चा उनके पीछे जो ब्रिटिश कमांडर था वो हुरोज़ ही था, तो हुरोज़ झांसी, नील चैम्बेल, हैवलॉक ऑट्रैम, जॉन लॉरेंस, हैवलॉक ऑट्रैम, जॉन लॉरेंस, नील चैम्बेल, इन सबको बुलाया, ये इनके बेस्ट कमांडर थे, ठीक हुई बात। दे मिसाकेड पीपल एंड बर्न डाउन द विलेजेस, इन्होंने लोगों को एक साथ में, जब हम बहुत सारे लोगों को मारते हैं उसे बोलते हैं मिसाकेड, तो इन्होंने बहुत सारे लोगों को एक साथ में मार दिया, विलेजेस के विलेजेस जला दिए, बड़े के बड़े गांव में आग लगा दी, फायर्स बैटल हुआ बहुत ही किस किस के बीच में, रिबेलियस लोगों के बीच में और ब्रिटिशर्स इन ऑफिसर्स के बीच में, फायर्स बैटल वर फॉट इन द रिज, चांदनी चौक, कश्मीरी गेट, रेड फोर्ट में, कश्मीरी गेट में, चांदनी चौक में, रिज में, बहुत फायर्स बैटल हुआ था, घमासान युद्ध। बहादुर शाह जफर और जो उसकी फैमिली थी उसने शेल्टर ले लिया हुमायूं टोम में, ब्रिटिशर्स ने डिक्लेयर किया कि ये जो पूरी क्रांति है इसमें सबसे मेजर रोल बहादुर शाह जफर का ही है। ट्रीजन का मतलब होता है देशद्रोह, राजद्रोह, देशद्रोह, वो बाहुबली मूवी देखी, में बाहुबली मूवी में आप लोगों ने देखा होगा ना, ये देशद्रोह है, ये राजद्रोह है, वैसे ही देशद्रोह राजद्रोह, मतलब आप चुनी, मतलब जो सरकार जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसके अगेंस्ट में कुछ भी करोगे तो वो ट्रीजन होता है। तो बहादुर शाह जफर और उनकी फैमिली ने शेल्टर ले लिया तो हुमायूं टोम में, और ब्रिटिश ने डिक्लेयर कर दिया कि ये लोग गिल्टी हैं, इन्होंने देशद्रोह किया है, ट्रीजन, मर्डर एंड रिबेलियन। तो ब्रिटिशर्स ने क्या क्या इल्ज़ाम लगाए बहादुर शाह जफर पे, ट्रीजन के, मर्डर के, रिबेलियन के, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कैप्चर कर लिया और उन्हें रंगून में भेज दिया, रंगून बोले तो यांगून, आज का यांगून, और ये कहाँ पर है, बर्मा, बर्मा का आज का नाम क्या, म्यांमार, तो पहली बात सुनो, रंगून का आज का नाम क्या है, यांगून, ठीक है बात, और बर्मा का आज का नाम क्या है, म्यांमार, तो बहादुर शाह जफर को म्यांमार भेज दिया। पहले उनसे बहुत एक लेंदी ट्रायल हुआ, कौन आया था, कैसे आया था, ये स्टार्ट कैसे हुआ, कौन ने आपसे बात की थी, बहुत लंबा ट्रायल लिया, और ट्रायल के बाद उन्हें कहाँ भेज दिया, कहाँ भेज दिया, म्यांमार, कनेडा के म्यांमार। 7 नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर की डेथ हो जाती है रंगून में ही। नाना साहेब और जो बेगम हजरत महल थी वो नेपाल भाग गए थे, मतलब अपनी जान बचा के नेपाल गए, तात्या टोपे को कैप्चर कर लिया गया और उन्हें फांसी दे दी गई थी 1859 में। फिर भी ब्रिटिशर्स को एक लंबा टाइम लग गया इस पूरे रिबेलियन को शांत करने में, जो चीज़ें जैसी थी उसको वैसा करने में। हाउएवर इट टुक द ब्रिटिशर्स अ वाइल टू सप्रेस द पॉपुलर रिबेलियन विद इन अ ईयर एंड हाफ, डेढ़ साल लग गया इनको पूरे युद्ध, मतलब पूरे हर जगह पे जहाँ जहाँ रिवोल्ट हो रहा था उसको शांत करने में। रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल्ड, रिवोल्ट ऑफ 1857, देखो क्रांति करना ज़रूरी है, आप पास हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, वो एक
सेकेंडरी मैटर है। तो ये जो हमने रिवोल्ट किया तो ये फेल रहा, मतलब हम जीते नहीं, पर फिर भी ये पास रहा बेटा, क्योंकि अब जो चेंजेस ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में करेगी वो थोड़े से ठीक होंगी। ठीक हुई बात, हम फेल हुए पर फेल होकर हमें जो चेंजेस इसके बाद मिले वो ठीक थे, अच्छे थे। चलो, तो जो रिवोल्ट 1357 का वो फेल्ड हुआ, और फेल्ड होने के जो कारण थे वो थे, बहुत सारे कारण थे, उसमें से कुछ कारण अभी हम पढ़ लेते हैं। अच्छा अच्छा, ये कौन है? कॉलिन चैम्बेल, हेनरी हैवलॉक, अरे यार मुंह नहीं दिख रहा है, ये हैं कॉलिन चैम्बेल, बहुत बढ़िया लड़े ये भी, हेनरी हैवलॉक भी बढ़िया लड़े, और ये हैं लॉर्ड कैनिंग, इनके ऊपर तो ज़्यादा जिम्मेदारी थी बच्चा। अच्छा, लॉर्ड कैनिंग के लिए और एक और इन्फॉर्मेशन सुन लो, लॉर्ड कैनिंग लास्ट गवर्नर जनरल होंगे इंडिया के और फर्स्ट वायसराय होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का 1 मार्क में लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया तो वो भी लॉर्ड कैनिंग। जब देखो 1857 का जो युद्ध चल रहा था उसमें लॉर्ड कैनिंग गवर्नर की तरह काम कर रहे थे, तो लास्ट गवर्नर यही हो गए। इसके बाद ब्रिटिशर्स रूल करने के सिस्टम को बदलेंगे और फिर वायसराय की पोजीशन क्रिएट करेंगे, तो फर्स्ट वायसराय भी बनेंगे लॉर्ड कैनिंग। अब हम उन कारणों को जानेंगे कि हम फेल क्यों थे। बेटा जब ये रिवोल्ट हुआ तो इस रिवोल्ट में पूरा इंडिया इन्वॉल्व नहीं हुआ, पूरा इंडिया इन्वॉल्व होता तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। राजस्थान, असम, उड़ीसा, बंगाल, ग्रेटर पार्ट ऑफ पंजाब और साउथ इंडिया, ये मोर और लेस अनअफेक्टेड ही रहे, इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा रिवोल्ट ऑफ 1857 का। फिर बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर थे, जैसे निज़ाम ऑफ हैदराबाद, राजपूत रूलर, रूलिंग चीफ ऑफ नभा, पटियाला, कश्मीर, इन्होंने भी रिवोल्ट को सपोर्ट नहीं किया, ब्रिटिशर्स के साथ खड़े रहे। जो ब्रिटिश थे वो स्ट्रॉन्ग थे बंगाल में, बॉम्बे में और मद्रास में, तो उन्होंने सेफ्टी मेजर्स ले लिए और अपराइजिंग के ऊपर प्रॉपर चेक रखा, वहाँ पर अपराइजिंग होने ही नहीं दी। उन्होंने ऑर्डर इशू कर दिए विच अलाउड देम टू शूट एनीवन सस्पेक्टेड टू सपोर्टिंग द रिबेलियन। मद्रास में, सॉरी बंगाल में और बॉम्बे में बहुत मजबूत थे कौन? ब्रिटिशर्स, तो इन्होंने वहीं पर ऑर्डर दे दिए कि किसी भी व्यक्ति को हमने देखा ना कि उसने रिबेलियन को सपोर्ट किया, हम उसको वहीं शूट कर देंगे। ठीक है बात, तो वहाँ पर इन्होंने रिवोल्ट को फैलने नहीं दिया। जो ब्रिटिश थे उनके पास वेल डेवलप्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था इंडिया में, थे बहुत कनेक्टेड थे टेलीग्राफ से, रोड से और रेलवे से, इसीलिए भी इनको बहुत हेल्प मिली कि रिबेलियन को प्रॉपरली सप्रेस कर पाए। उनके पास जो मिलिट्री टेक्निक्स थी वो इंडियन से सुपीरियर थी, उनके पास एबल जनरल थे, जो इंडियन मिलिट्री टेक्निक्स थी वो आउटडेटेड थी, पर जो रिबेल लीडर्स थे इवन फेल टू कंसोलिडेट देयर ग्रेन्स। ठीक है, हर व्यक्ति अपने इंडिविजुअल, देखो जब ब्रिटिश ऑफिसर्स का तो एक ही एम था पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ क्रांति हो रही है, जहाँ जहाँ विद्रोह हो रहा है उसको सप्रेस करना, पर जब हम रिवोल्ट के लिए निकले ना बेटा, हमारा कोई भी एक एम नहीं था, हम इंडिविजुअल एम से लड़ रहे थे, मतलब हम अपने गेंस को कंसोलिडेट नहीं कर पाए। जैसे जहाँ जहाँ हमारा अगर कब्जा होता भी जा रहा था ना, तो भी वहाँ पर हम कुछ काम नहीं कर पा रहे थे, तो प्रॉब्लम तो थी। जो रिबेल लीडर्स थे उनके पास कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी, है ना, मास अपील नहीं थी। सेंट्रल लीडरशिप हम बोलते कि बहादुर शाह जफर की थी, तो बच्चा बहादुर शाह जफर इस ओल्ड एज में थे कि वो इस तरीके से हर चीज़ को मैनेज नहीं कर पाते थे, और यहाँ पर ऐसा हो रहा था प्लानिंग के साथ कुछ भी नहीं हो रहा था। किसी व्यक्ति को लगता है यार ये रिवोल्ट हो रहा, मुझे इसको ज्वाइन करना चाहिए, वो अपने तरीके से ज्वाइन करता और अपने तरीके से लड़ने लगता। मोस्ट रिवोल्ट्स वर रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल एरिया, बहुत सारे रिवोल्ट तो छोटे छोटे एरियाज तक ही रिस्ट्रिक्ट होके रह गए। लीडर्स फाउट टू लिबरेट देयर ओन टेरिटरीज, और हर लीडर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी टेरिटरी के लिए लड़ रहा था, कोई एज अ इंडिया होल भारत के लिए नहीं लड़ रहा था। एवरीबडी वॉज फाइटिंग फॉर हिज इंडिविजुअल ओन्स एम्स। नाना साहेब लड़ रहे थे कि उनको पेशवा बना दिया जाए, झांसी की रानी झांसी के लिए लड़ रही थी, तो जैसे बेगम हजरत महल की बात करें तो अवध के लिए लड़ रही थी। जो रिवोल्ट था उससे जो एजुकेटेड इंडियंस थे उन्होंने सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं किया। उनका मानना था कि जो ब्रिटिश हैं उनका रूल बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, अगर हमें इंडिया को मॉडर्नाइज करना है, डेवलप करना है, तो ब्रिटिशर्स ही हमारे ऊपर रूल करते रहें, यही अच्छा है, ये इन गधों की, पढ़े लिखे गधों की सोच थी। अब हम देखेंगे नेचर ऑफ रिवोल्ट, क्या पढ़ेंगे बेटा अब हम, नेचर ऑफ द रिवोल्ट। जो ब्रिटिशर्स थे वो इस रिवोल्ट को क्या कहते थे, मतलब जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है उसे ब्रिटिशर्स क्या नाम देते थे, सिपाही म्यूटनी, कि भैया सिपाहियों ने विद्रोह किया। ठीक है,
पर जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं वो इसे कहते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कि हमने आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी। तो ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है कि भैया कुछ कह रहे हैं ये सिपाही म्यूटनी है, सिपाहियों ने विद्रोह किया, ऑर्डर्स मानने से मना कर दिया, और कुछ कह रहे हैं ये कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। चलो ठीक है, जो भी बोल दो। जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जिन्होंने इस रिवॉल्ट को विटनेस किया, जैसे सर जेम्स ऑट्राम और पी रॉबर्ट्स, कॉल दिस म्यूटनी ऑफ सोल्जर्स। वो इसे क्या कहते थे, म्यूटनी ऑफ सोल्जर्स, विच हैपेंड ड्यू टू द यूज ऑफ ग्रीस कार्टेजेस। जिन ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इस रिवोल्ट को देखा, उन्होंने इस रिवोल्ट को क्या कहा कि भैया ये तो एक म्यूटनी थी, जो किसने की, सोल्जर्स ने की, है ना, और ये क्यों हुई, क्योंकि उन्हें हमने क्या दिए थे, ग्रीस कार्टेजेस। चलो फिर भी जो रिवोल्ट था 1857 का, वो सडनली तो नहीं हुआ। आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बाय द ब्रिटिश इन 1757, बंगाल को जैसे ही जीत लिया था ब्रिटिशर्स ने 1757 में, जो कॉमन मासेस थी, जो कॉमन लोग थे, जो जनता थी, वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी उनकी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल पॉलिसीज से ब्रिटिशर्स की। ना ही तो इकोनॉमिक पॉलिसीज अच्छी थी, ना ही सोशल पॉलिसीज अच्छी थी, ना ही तो पॉलिटिकल पॉलिसीज अच्छी थी। मतलब वो हमारा एक्सप्लॉयटेशन ही कर रहे थे हर पॉलिसी के थ्रू। तो ये जितनी भी अनजस्ट पॉलिसीज थी उसकी वजह से रिसेंटमेंट, गुस्सा, असंतोष ये लोगों के मन में बढ़ता गया, किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और इसी वजह से रिवोल्ट हुआ। बच्चा देखो, 100 साल तक हम दबाते रहे, यार छोड़ो छोड़ो छोड़ो, 1757 से ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर अत्याचार करना चालू कर दिए थे, और हम पहला रिवोल्ट कब किए, 1857 में। अब बेटा जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, जो इंडिया के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, उनका मानना है कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। दोनों के हिसाब से, भले वो हिंदू या मुस्लिम हो, दोनों ने इसमें पार्ट लिया अगेंस्ट देयर कॉमन एनिमी। और इनका कॉमन एनिमी कौन था बच्चा उस टाइम, ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो हिंदू और मुस्लिम ने पार्टिसिपेट किया रिवोल्ट ऑफ 1857 में अपने कॉमन एनिमी के अगेंस्ट में, जो थे ब्रिटिशर्स। इफ़ेक्ट्स ऑफ अपराइजिंग, ऑल दो अपराइजिंग फेल हो गई, पर हमें बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिले, मैसिव चेंजेस देखने को मिले ब्रिटिश पॉलिसीज़ में। कब, 1857 के रिवोल्ट के बाद। ठीक है, बाद मैसिव चेंजेस इन द ब्रिटिश पॉलिसीज वर ऑब्जर्व आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये जो चेंजेस थे, ये अब बेटा ये जो चेंजेस थे, भले ही हम बोलें कि ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल को बढ़ाने के लिए किए, रिवोल्ट को फ्यूचर में कोई ना हो उसको रोकने के लिए, पर फिर भी जो कंडीशन 1857 के पहले थी उससे 2-5% का सुधार हो गया था ब्रिटिश के रूल करने के तरीके में। ये जो चेंजेस ब्रिटिशर्स ने किए, उनका एम था कि वो अपने आप को और ज़्यादा मजबूत बना पाएँ, अपने कंट्रोल को और ज़्यादा एक्सपांड कर पाएँ, और आने वाले भविष्य में कोई भी ऐसा रिवोल्ट ना हो। अगस्त 1858 को जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने एक नया एक्ट पास किया, जिससे कि जो पावर थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ले ली गई। ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी जिसका पर्पस था मैक्सिमम प्रॉफिट, तो अब उससे पावर लेके किसको दे दी गई, ब्रिटिश क्राउन को पावर दे दी गई। अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट वॉज अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ इंडियन अफेयर्स। ठीक है, बात एक मेंबर होगा जो ब्रिटिश कैबिनेट का होगा, उसे अपॉइंट किया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडियन अफेयर्स की तरह। ठीक है, बात जो इंडियन अफेयर्स के बारे में टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करता रहेगा, ये आंसरेबल रहेगा किसको, ब्रिटिश पार्लियामेंट को। मतलब टाइम टू टाइम इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा होना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी ले ली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडियन अफेयर ने, ऑफ अफेयर्स ने, और ये टाइम टू टाइम किसको इन्फॉर्म करता, ब्रिटिश पार्लियामेंट को। अच्छा, ही लुक्ड आफ्टर द ब्रिटिश पॉलिटिकल अफेयर्स इन इंडिया। बेसिकली इसका काम क्या था कि किस तरीके से पॉलिटिकल अफेयर्स रन कर रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में, उनको देखना, अगर उसमें कोई लूपहोल है तो फिर पार्लियामेंट को सजेस्ट करना कि भाई ये नहीं करो। जो टाइटल था वायसराय का वो गवर्नर जनरल को दे दिया गया। ठीक है, जो सीधे ब्रिटिश क्राउन के लिए आंसरेबल होंगे, पहले गवर्नर जनरल्स बनते थे इंडिया के लिए, आपका क्या बनने लगे बच्चा, वायसराय। और वायसराय का काम क्या होगा कि वो क्राउन को डायरेक्टली आंसरेबल होंगे थ्रू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो ये तो जो गवर्नर जनरल होता, गवर्नर जनरल की पोजीशन हो गई ख़त्म, वायसराय आ गया, और अब वायसराय डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा क्राउन के लिए थ्रू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक हुई बात, वायसराय किसको रिपोर्ट कर देगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सीधे क्राउन से बात करेगा। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वॉज असिस्टेड बाय काउंसिल कॉल्ड इंडियन काउंसिल, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करेगी एक काउंसिल जिसका नाम है इंडियन काउंसिल। एक और जिसे मैं सुधार बोल रही हूँ, भले वो ब्रिटिशर्स ने अपने अपने रूल को और ज़्यादा
मजबूत करने के लिए किया हो, पर उससे थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इंडियंस का भी फायदा हुआ है। 1858 में जो क्वीन विक्टोरिया थी उसने एक प्रोक्लेमेशन इशू कर दिया जिससे उसने एंश्योर कराया इंडियन प्रिंसेस को कि भैया अब हम कोई फर्दर एनेक्सेशन नहीं करेंगे, हम आपकी टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में नहीं लेंगे, तो आप बिल्कुल फ्री हो जाओ इस बात से कि कभी तुम्हारी टेरिटरी ब्रिटिशर्स के पास जाएगी, ऐसा नहीं होगा। दे कुड पास ओवर देयर किंगडम टू देयर हायर्स बट हैड टू एक्सेप्ट द ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी। तुम जो तुम्हारी टेरिटरी है, तुम तुम्हारे हायर्स को, मतलब तुम्हारे बच्चों को या उनके बच्चों को ट्रांसफ़र कर दो, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको भी और आपके बच्चों को भी जो हायर अथॉरिटी है, जो पैरामाउंटेंसी है, वो किसको ही मानना पड़ेगा, ब्रिटिशर्स को ही मानना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ गई? मतलब रूलर कोई भी हो पर उसको फाइनल अथॉरिटी किसको मानना पड़ेगा, पैरामाउंटेंसी किसको मानना एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, किसकी पैरामाउंटेंसी, ब्रिटिशर्स की। उसने ये भी प्रॉमिस कर दिया कि मैं अब सोशल और रिलीजियस कस्टम्स में मेरे ब्रिटिश के हैंड पे कोई भी ऑफिसर्स कहीं पर भी कुछ भी नहीं बोलेगा। जो सती प्रथा, पर्दा सिस्टम, विमेन की पोजीशन, जितना हम बोलनी है ना, आज के बाद अब तुम कुछ भी करो, जिंदा जला दो, बच्चे को पैदा होते से मार दो, औरतों को पढ़ाओ ना पढ़ाओ, हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये थोड़ा सा गलत हुआ पर ठीक है, देखेंगे। तो उसने प्रॉमिस किया कि मैं अभी भी किसी भी रिलीजियस और सोशल मैटर में अब नहीं बोलूँगी, मतलब मेरे जो ब्रिटिश हैं, ब्रिटिशर्स हैं, वो नहीं बोलेंगे। और लोकल लैंडलॉर्ड्स की लॉयल्टी को विन करने के लिए ब्रिटिश ने उन्हें अवार्ड देना चालू कर दिया, बड़े बड़े टाइटल्स, उन्हें उनके जो ट्रेडिशनल लैंड राइट्स थे वापस दे दिए। तो ये देखो कुछ तो अच्छा हो रहा है ना हमारे लिए। जो यूरोपियन सोल्जर्स थे अब उन्होंने उनके नंबर को बढ़ा दिया इंडियंस के कंपैरिजन में। पहले अगर ब्रिटिशर्स की जो आर्मी थी इंडिया में उसमें यूरोपियन सोल्जर्स बहुत कम होते थे, इंडियन ज़्यादा होते थे, अब उन्होंने उल्टा कर दिया, इंडियंस का नंबर कम, यूरोपियंस का ज़्यादा। आर्टिलरी को यूरोपियन ऑफिसर्स के पास ही रखा, ठीक ही बात, यूरोपियन सोल्जर्स के पास ही रखा, क्योंकि इन लोगों ने ये देख लिया था कि भैया 1857 में इन्होंने हमारे कैंटोनमेंट एरिया से हमारे ही आर्म्स को लेके हमारे ऊपर ही हमें ही मारा था, इससे बेटर है कि हम जो आर्टिलरीज हैं, गन्स हैं, इनको किसके हाथों में रखें, यूरोपियंस के हाथों में रखें, यूरोपियन सोल्जर्स के पास रखें। स्ट्रेटेजिक मिलिट्री पोजीशंस भी हैंडेड कर दी ब्रिटिश सोल्जर्स को, जहाँ जहाँ से इनको लगता था यार कि कुछ हो सकता है अभी भी, तो वहाँ वहाँ पर इन्होंने ब्रिटिश सोल्जर्स को रखा। गुरखा, पठान और सिक्स को ज़्यादा नंबर में रिक्रूट कर दिया। पहले गुरखा, पठान और सिख इतने नहीं होते थे आर्मी में, पर 1857 को देखने के बाद गुरखा, पठान और सिख को रखा। ब्रिटिश परस्यूएट द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, और अब ब्रिटिशर्स को एक नई चीज़ समझ में आ गई, ये हिंदू और मुस्लिम ने मिलकर रिवोल्ट ऑफ 1857 किया था ना, ये भविष्य में भी कुछ ऐसा कर सकते हैं, इसलिए हम इसकी यूनिटी को ख़त्म कर देते हैं, जिसको हमने बोला डिवाइड एंड रूल, मतलब हिंदू और मुस्लिम्स को अलग कर दो, किसी भी ग्राउंड पर कर दो, मतलब इंडिया में दिस यूनिटी क्रिएट कर दो। उन्होंने कॉन्शियस पॉलिसीज अडॉप्ट कर लिए डिस्क्रिमिनेशन की, दे इम्पाउंडेड द प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम्स, मुस्लिम्स की प्रॉपर्टी को इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया, दे अक्यूज देम द स्टार्टिंग ऑफ द रिबेलियन, और इन्होंने पूरा नाम मुस्लिम्स का लगा दिया कि भैया यही थे वो जिन्होंने इस रिबेलियन को स्टार्ट किया। बेटा अगर मैं बात करूँ जो 1857 में अपराइजिंग हुई उसे क्रश कर दिया गया, पर यह एक लैंडमार्क था इंडियन हिस्ट्री का। इस रिवोल्ट ने एनकरेज किया इंडियंस को कि भैया आप भी ब्रिटिश ऑफिसर्स, ब्रिटिश के खिलाफ लड़ सकते हो। जो इंस्पिरेशन थी, जो इंस्पिरेशन मिली बेटा हमको रिवोल्ट ऑफ 1857 से, इसी ने रास्ता बनाया नेशनल मूवमेंट के लिए जो फ्यूचर में होने वाली थी। अब हमको एक रिविजन देखेंगे। गवर्नर जनरल ने मोबिलाइज किया फोर्सेस को, ट्रूप्स को, इस रिवोल्ट को दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए, वो थे लॉर्ड कैनिंग। कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखती, लॉर्ड कैनिंग। किसने किया सप्रेस? लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है बात। जो रिबेल लीडर्स थे वर लेड अ सेंट्रल लीडरशिप, उनको किस बात की कमी थी बच्चों? उनके पास कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी। ब्रिटिश टर्म द रिवोल्ट एज सिपॉय म्यूटनी। ब्रिटिशर्स क्या बोलते हैं इसको? सिपॉय म्यूटनी बोलते हैं। जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं वो 1857 के रिवोल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ब्रिटिश परस्यूएट द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। ब्रिटिशर्स कौन सी पॉलिसी अपनाएं बेटा रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद? डिवाइड एंड रूल, हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड कर दो और इंडिया पे रूल करो। अब हम मैच द कॉलम करेंगे। तो कुंवर सिंह कहाँ से लड़ रहे थे? आरा से लड़ रहे थे।
ठीक है, बात बहादुर शाह जफर डाइड इन रंगून, रानी लक्ष्मीबाई झांसी, डलहौजी डलहौजी, अरे यार एक मिनट फिर से देखो क्या क्या देख चुके हैं। अभी हम सबसे इजी वाले देखते हैं। हमको पता है रिवोल्ट के पहले क्या आ गया था, सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट कब आ गया था, 1856 में। फिर रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से थी, झांसी से थी। बहादुर शाह जफर की डेथ कहाँ पर हुई, रंगून में हुई। सर ऑट्रम क्या थे, जेम्स ऑट्रम थे ब्रिटिश आर्मी में। कुंवर सिंह थे आरा के ऑफिसर। लॉर्ड डलहौजी ने विड्रॉ किए टाइटल्स को 1849 में। ठीक है बात, ये आप सबका होमवर्क है, ये तो आप सबको पता ही होगा। ये तो मुझे कमेंट सेक्शन में जैसे वीडियो देखो वैसे देख के बता देना, बाकी इन सबको आप बुक की पिक्चर से मैच करके आंसर लिख सकते हो। ठीक है बात,